नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी एक और वीडियो में आपका स्वागत है यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर चौसठ यानी चैप्टर नंबर सिक्सटी फोर की जिसका टाइटल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज ठीक है भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज नाम के इस चैप्टर को हम लोग दो भागों में कवर करेंगे पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखेंगे और दूसरी वीडियो में बहुत ही जल्दी रीजन्स फॉर नाइन्टी सेवेंथ अमेंडमेंट मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर को शुरू करते वक्त बहुत ही बेसिक में

सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को इंश्योर किया गया कैसे देखिए पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज आर्टिकलॉज और उसका सब क्लॉज सी तो आर्टिकल 19, उसका सब क्लॉज सी तो इस सब क्लॉज सी में दो शब्द जोड़ दिए गए कॉपरेटिव सोसाइटीज इससे कॉपरेटिव सोसाइटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सिस्टेंस मिला ठीक है उसके बाद दूसरी चेंजेस क्या किए गए नाइन सेवन एक्ट के, के थ्रू एक नया डीपीएसपी जोड़ा गया डायरेक्टिव ऑफ ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द प्रमोशन प्रिंसिटॉल सोसाइटी किसके थ्रू आर्टिकल फोर्टी थ्री बी के थ्रू डीपीएसपी आपको पता है दे आर नॉन जस्टिसबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि उनको उनके वॉयलेन पे आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके केस नहीं फाइल कर सकते कि भाई ये भाईलेट हो रहे हैं जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हो डीपीएसपी में केस फाइल नहीं कर सकते बट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी मतलब कि भाई कहीं कहीं ना कही सरकार को इनको इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी बनानी है भले ही नॉन है फंडामेंटल राइट right को तो इंप्लीमेंट करना ही है सरकार को डीपीएसपी जितना हो सके उतना करना है अपने स्वेच्छा के हिसाब से जितने भी रिसोर्स सरकार के उसके हिसाब से तो ये जो पार्ट फोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आता है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी

ऑटोनॉमस तरीके से वो काम करें वॉलेंट्रली बनाई जा सके उसमें जो कंट्रोल है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए वो प्रोफेशनल तरीके से काम करें ये नहीं कि सरकारी डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहे हैं हालांकि सरकारी डिपार्टमेंट से कंपेयर करना सही नहीं है सरकारी डिपार्टमेंट वाले लोग आज की डेट में बहुत काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मुझे पता है राज्य की सरकारें तो राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है कि वहां पे किस हिसाब का काम होता है बट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को तो रगड़ के रख रखा है भैया बहुत काम करवाते हैं आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर कल की डेट में आप आई एस आई पी एस बनोगे आपको पता चल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना काम है तीसरा इट एडेड अ न्यू पार्ट नाइन बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एन टाइटल कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जेड एड टू आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जेड टी आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जेड एड से लेकर आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जेड टी में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है इसके लिए एक नया पार्ट जोड़ दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका नाम है पार्ट नाइन बी ठीक है भाई मतलब अच्छा खासा आप कह सकते हो कि चेंजेस किए हैं कॉपरेटिव सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से कॉपरेटिव सोसाइटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस यहाँ पे दे दी गई है ठीक है भाई अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है कॉपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड चलिए इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को मैं बाद में आपके साथ बात करूंगा एंड में इस चैप्टर में एंड में बात करूँगा और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे बात करने के लिए

ओवरऑल लक्ष्मीकांत की वीडियोस की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है मेरी पहली वीडियो तो लगभग साढ़े चार लाख व्यूज़ पे पहुंच चुकी है लेकिन ज़्यादा लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बच्चों में सीरियसनेस कम है लक्ष्मीकांत को लेकर या फिर अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को रखो तो बस आपसे यही बोलूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को आप शेयर करो कॉमेंट भी कर दीजिए वीडियो के एंगेजमेंट के लिए ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो चैनल के मेंबर बन के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए आपके जेनर डॉट जवाब दूंगा टेलीग्राम ग्रुप चैन कर लीजिए वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी

क्या बोला जा रहा था स्टेट लेजिस्लचर में मेक प्रोविजन फॉर द इनकॉर्पोरेशन इनकॉपोरेशन रेगुलशन माइंडिंग सोसाइटी कैसे बनेगी सोसाइटी को कैसे रेगुलेट करेगी सरकार और अगर मान लीजिए सोसाइटी सही तरीके से काम नहीं कर रही तो उसको वाइंड अप करो करो खत्म इसके बारे में जो डिटेल्ड प्रोविजन बनाएंगे वो कौन बनाएगी तो राज्य की सरकार बनाएगी राज्य की सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि अगर कोई ग्रुप कॉपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहता है तो वो वॉलेंट्री बेसिस पे आराम से उसको बना सके जो कंट्रोल होगा उस कॉपरेटिव सोसाइटी का वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेगा ठीक है भाई इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में जो भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है जो भी फंक्शनिंग का प्रोसेस है उसमें सारे मेंबर्स का बोलना होगा अकाउंटेबिलिटी होगी ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होगी इन सब चीजों के बारे में पे बात कही गई है फिर बात करते हैं नंबर एंड एंड टर्म ऑफ ऑफ मेंबर्स बोर्ड इट्स ऑफिस बेयर देखिए पहली बात तो ये जो बोर्ड है आपका किसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का इसमें उतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं देखिए किसी बॉडी का जो बोर्ड होता है बोर्ड का मतलब क्या होता है बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है उसका एक बोर्ड है जो कि दिल्ली में बैठता है और उस बोर्ड में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के डायरेक्टर्स होते हैं आप खैर ये तो सरकारी डिपार्टमेंट हो गया जो भी कंपनी होती है उस कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जहां पर उस कंपनी के सारे डायरेक्टर बैठते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उस सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है ये इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहता है तो कितने बोर्ड में डायरेक्टर्स होंगे ठीक है ना भाई ये कौन डिसाइड करेगा ये स्टेट का लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा ठीक है भाई तो बोर्ड की कंपोजिशन स्टेट का लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा लेकिन एक बात है कॉपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं वो ट्वेंटी हो सकते हैं इक्कीस से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते देखिए द मैक्म नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ अरेटिव सोसाइटी शेल नॉट एक्सीड ट्वेंटी वन फिर अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई शेड्यूल कास्ट का है या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है या कोई वुमेन है तो ऐसे केसेस में जो बोर्ड है उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसके बोर्ड में कम से कम एक सीट शेड्यूल कास्ट के लिए कम से कम एक सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए कम से कम दो सीटें वुमेन के लिए अगर वुमेन या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो ठीक है भाई द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बेयरर्स शैल बी फाइव फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शंस मतलब कि एक बार बोर्ड के इलेक्टेड मेंबर्स ने ऑफिस होल्ड कर लिया और उसके ऑफिस बेरर्स ने ऑफिस होल्ड कर लिया तो वो पांच साल तक ऑफिस में रखेंगे अब आप बोलोगे कि बोर्ड बोर्ड में हो हो ऑफ डायरेक्टर ऑफिस बेरर का मतलब क्या हो गया देखिए हर कंपनी में एक प्रेसिडेंट होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है चेयरपर्सन होता है सेक्रेटरी होता है ट्रेजरार होता है वाइस चेयरपर्सन होता है ये इंपॉर्टेंट पोस्टें होती हैं उस कंपनी की और ऑब्वियस बात है वो जो पर्टिकुलर पोस्ट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो बैठी ही होगी तो अब इक्कीस के इक्कीस मान लीजिए मैक्सिमम जो

को ऑप्शन का भी मेंबर को ऑप्शन का मेंबर क्या हो गया कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोफेशनल तरीके से काम कर सके इसलिए उसके काम करने के तरीके में डायवर्सिटी लाने के लिए अलग अलग फील्ड के लोगों को भी मेंबर बनाया जा सकता है बोर्ड में तो अगर कोई बैंकिंग फील्ड का कोई बहुत ही आला ऑफिसर है जिसने बैंकिंग सेक्टर में बहुत काम किया उसको बैंकिंग का फाइनेंस की बड़ी जानकारी है तो उसको को ऑप्ट करके उस बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता है मैनेजमेंट के फील्ड का फाइनेंस के फील्ड का या वो कंपनी जिस फील्ड में भी इन्वॉल्व है मान लीजिए आर्टिफिशियल फील्ड से इन्वॉल्व कंपनी है

इनके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी भी डिसीजन में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बोर्ड है किसी भी की मतलब इशू पे डिसीजन ले रहा है वोटिंग डाल रहा है या फिर चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन चुनने के लिए वोटिंग डाल रहा है तो ऐसी वोटिंग में ये जो एडिशनल स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे डायरेक्टर्स आए हैं ये वोट नहीं डालेंगे यह सर्वे आए हैं ताकि उस पर्टिकुलर फील्ड में जो इनकी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसकी मदद से कंपनी को आगे बढ़ने मदद कर सके कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ने मदद कर सके ठीक है भाई उसके बाद द फंक्शनल डायरेक्टर्स ऑफ अ सोसाइटी शैल शेल्सो बी द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड सच मेंबर्स शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देखिए कंपनियों में ना आजकल डायरेक्टर की पोस्ट ना मजाक बन गई है तो भाई अगर आप बात करो किसी कोटिव सोसाइटी में मान लीजिए इक्कीस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ठीक है उसके अलावा दो आपने और स्पेसिफिक बेसिस पे 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 अपॉइंट कर दिए बैंकिंग मैनेजमेंट फाइनेंस जो जो मैंने अभी आपको बताया फिर ग्राउंड लेवल काम हो रहा होगा ना डे डे टू फंक्शनिंग वहां पे भी बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे तो जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले जो डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स भी ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेकिन वो डायरेक्टर्स जो फंक्शनल डायरेक्टर्स हैं जो एक्चुअल में नीचे रह के काम कर रहे हैं कंपनी का वो भी ऑटोमेटिकली बोर्ड के मेंबर बन जाएंगे लेकिन वो ट्वेंटी वन वाले लिमिट में काउंट नहीं हो तो जो फंक्शनल डायरेक्टर बैठा है जो कंपनियां बहुत बड़ी बन जाती है ना उसके ऊपर आठ दस डायरेक्टर बैठा दिए जाते हैं।, वो के में नहीं करते हैं लेकिन उन आठ दस डायरेक्टर्स को वो जो कंपनी एक मिनिमम फीस दे देती सैलरी दे देती नहीं भी देना चाहे तो ना दे आठ दस डायरेक्टर्स का काम यह होता है कि भाई जो भी स्टेट के नियम कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम कानून है उस हिसाब से वो बॉडी चल रही है या नहीं चल रही है क्या वो बॉडी कोई एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस तो नहीं कर रही है? क्या वो बॉडी कुछ गलत तो नहीं कर रही है जो नीचे के लेवल पे फंक्शनल डायरेक्टर्स काम करते हैं वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सीधे सीधे इन्वॉल्व होते हैं तो जो फंक्शनल डायरेक्टर्स हैं जो कि डेली बेसिस पे कंपनी को चला रहे हैं वो भी उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बन सकते हैं लेकिन वो 21 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे तो ऐसे तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में तीस चालीस पचास कितने भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं समझ गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इक्कीस है मैक्सिमम ठीक है ना उसके अलावा दो अपने स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे पे और जो जो फंक्शनल डायरेक्टर्स हैं ग्राउंड लेवल चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ठीक है ना उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो कि ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाई है वो भी बोर्ड के मेंबर माने जाएंगे बस वो इक्कीस की लिमिट में चुने नहीं जाएंगे गिने नहीं जाएंगे ठीक है भाई ओके फिर बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड क्या बोला जा रहा है द इलेक्शन ऑफ अ बोर्ड शैल बी कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द बोर्ड एक बोर्ड का टेनअर मान लीजिए पांच साल का खत्म हो रहा है वो बोर्ड खत्म होने वाला है तो उसके खत्म होने से पहले नए इलेक्टेड में चुन लिया जाना चाहिए चाहिए जैसे ही वो बोर्ड खत्म हो अगला बोर्ड चार्ज ले ले तो मतलब इंटरग्नम ना रहे बीच में कोई गैप ना रहे और एक और खास बात है कि इस बोर्ड के इलेक्शन के लिए जो भी इलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना है इलेक्शन को कंडक्ट करना है वो एक ऐसे बॉडी में दिया जाएगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने अपॉइंट किया तो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा अपॉइंटेड बॉडी के थ्रू इन कॉपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा तो भैया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई अथॉरिटी बताएगी कि कैसे कॉपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड मेंबर्स को चुनना है तो सुप्रीटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी Is in such body, एक ऐसी रिपोर्सिबिलिटी दी जाएगी जिसको स्टेट गोर्ड में पहली बात तो यह है देखिए जैसा कि मैंने खत्म हो रहा है तो उसके खत्म होने से पहले दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया दूसरा मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ स्पेसिफिक परपजेस की वजह से किसी एक बोर्ड और डायरेक्टर को सस्पेंड कर सकती है या उसको सुपर सेशन कर सकती है मतलब उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि ऑलरेडी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने हुए हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है हटाया जा सकता है उनकी पोस्ट पे या उनको सुपर सीड किया जा सकता है उनकी अथॉरिटी को हटा के किसी और को अथॉरिटी दी जा सकती है लेकिन एक बात यहां पे आ रखिएगा इन केस ऑफ कॉपरेटिव बैंक अदर देन मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बैंक द पीरियड के नॉट एक्सीड वन ईयर मान लीजिए कि आपने सुपरसीड कर दिया बोर्ड को या सस्पेंड कर दिया बोर्ड को तो उस बोर्ड के लिए जो इलेक्शन है वो छह महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए ठीक है ना उस बोर्ड के लिए जो इलेक्शन है वो महीने के अंदर अंदर चाहिए कोई मल्टी स्टेट बैंक है तो भाई उसमें छह महीने के अंदर होनी चाहिए लेकिन मान लीजिए कोई कॉपरेटिव बैंक है जो कि स्टेट के नौ के अंदर काम कर रहा है तो ऐसे केसेस में जो इलेक्शन है वो एक साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए मान लीजिए कि भाई कोई एक कोपरेटिव बॉडी थी ठीक है ना

तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को हटा दो जो सिर्फ स्टेट वाइज कोऑपरेटिव बैंक काम करते हैं उनमें जो नए बोर्ड की अपॉइंटमेंट है वो आप एक साल के अंदर करनी है मतलब अगर कोई कॉपरेटिव बॉडी है उसके बोर्ड को हटाया तो छह महीने के अंदर अपॉइंटमेंट करनी है कोई कॉपरेटिव बैंक है जो बहुत सारे स्टेट्स में ऑपरेट कर रहा है उसका बोर्ड हटाया तो छह महीने के अंदर नया बोर्ड अपॉइंट करना है और अगर कोई कॉपरेटिव बैंक है जो केवल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है उसका बोर्ड हटाया तो नया बोर्ड एक साल के अंदर अपॉइंट करना है हालांकि इतने स्पेसिफिक जो आप कह सकते हो कि

कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के इंटरेस्ट के अगर कोई काम किया गया है, तो ऐसे केसेस में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड को बर्खास्त किया जा सकता है ऑफ 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 देयर बीइंग अ स्टेलमेंट इन द द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस बोर्ड तो भैया जो बोर्ड है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है धीरे काम कर रहा है जबरदस्ती चीजों को रोक रहा है और जो इलेक्शन हुए टू द बोर्ड ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट एक्ट ने जिस प्रकार से इलेक्शन करवाने को कहा था इलेक्शन बॉडी ने उस प्रकार से उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन नहीं करवाए हैं तो दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए भी बोर्ड को सस्पेंशन में रखा जा सकता है है ठीक ना भाई लेकिन एक बात याद रखिएगा सस्पेंशन में रखने की जो ताकत है ना स्टेट गवर्नमेंट की लिमिटेड है अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई लोन दे रखा है अगर स्टेट गवर्नमेंट उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी भी फाइनेंशियल आप कह सकते हो तो, डिसीजन में इन्वॉल्व है किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस गया किसी स्टेट मतलब गवर्नमेंट फंडेड बैंक की तरफ से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस गया है तो ऐसे केसेस में दोस्तों जहां पे सरकार की तरफ से कोई भी फाइनेंस नहीं गया उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बॉडी को जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके पास कोई भी हेल्प नहीं गई है सरकार की तरफ से और ना ही सरकार का कोई शेयर होल्डरशिप है उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे केसेस में उसके बोर्ड को सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती सरकार केवल उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बोर्ड को बर्खास्त कर सकती है जिसमें सरकार का शेयर होल्डिंग है समझ गया